We start today's topic is transaction communication in distributed system. तो बेसिकली ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपन यूज़ क्या करते हैं, दिस इज ए द ट्रांजेक्शन इज ए लॉजिकल यूनिट बेसिकली इन द टर्म ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. आपका जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन किसका होता है बेसिकली, आपके जो भी इन्फॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन होते हैं किसके बीच में आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, बिटवीन डिफरेंट क्लाइंट्स नोड्स बिटवीन सर्वर्स के बीच में आपके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं इन टर्म ऑफ ट्रांजेक्शन. एक लॉजिकल यूनिट है किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करते हैं. तो इट इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट इंक्लूड्स वन और मोर डेटाबेस ऑपरेशंस. अब कौन से डेटाबेस ऑपरेशंस आप बेसिकली इस पे परफॉर्म करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स पे कैसे हो सकते हैं, कि क्या आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीटेशन कर सकते हैं, आप रिट्रीवल कर सकते हैं डेटा के, जो भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बेसिकली ये क्या है आपके इन टर्म ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस है. किसके टर्म में ये इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. जो भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इट इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. अब जो अपने पास में डेटा की इंटीग्रिटी है कि वो अपन इंश्योर कैसे करेंगे कि डेटा की जो इंटीग्रिटी है, कि जो आपको डेटा रिसीव हुआ है वो प्रॉपर आपको प्रॉपर और करेक्ट डेटा है, आपको जिस डेटा की रिक्वायरमेंट थी वही डेटा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए आपका जो ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है. कौन सी प्रॉपर्टीज़ को, एसिड प्रॉपर्टीज़ को, कि जो भी डेटा उसे रिसीव हुआ है कि उसमें कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है डेटा में, यानी कि डेटा ना तो कि जो आपका डेटा है वो अपडेट डेटा है, अप टू डेट डेटा है, और जो आपका डेटा है वो रिलीवेंट डेटा है. इसको इंश्योर करने के लिए आपका जो ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन है वो किसको फॉलो कर रहा है, आपके एसिड प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है. तो वॉट इज़ द एसिड प्रॉपर्टीज, आपका एसिड क्या है, आपका एटमोसिटी है, सी क्या है आपका कंकरेंसी है, आई आपका आइसोलेशन है, और डी इज़ द ड्यूरेबिलिटी है. इनके बारे में बात करेंगे कि बेसिकली कैसे वर्क करते हैं आपके पर्टिकुलर सिस्टम में, किस में आपके ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन में. बेसिकली सबसे पहले आपका ऑटोमेसिटी आता है, ऑटोमेसिटी बेसिकली, उसके बाद में आपका कंसिस्टेंसी, आई क्या है आपका आइसोलेशन, एंड द डी इज द ड्यूरेबिलिटी. अब एटमोसिटी बेसिकली क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट इट इज प्रोसेसिंग सक्सेसफुली और अनसक्सेसफुली, ये आपका आपकी जो ऑटोमेसिटी है ये आपको क्या फुलफिल करता है, कि आपका जो आपने कोई भी ट्रांजेक्शन आपने इम्प्लीमेंट किया है, आपने स्टार्ट किया है, या वो या तो वो सक्सेसफुल होगा या फिर क्या होगा आपका अनसक्सेसफुल होगा. इसका मतलब ये है कि कोई भी आपका जो ट्रांजेक्शन है जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, या तो वो क्या होगा आपका कमिट होगा. कमिट क्या है बेसिकली, आपका या तो कमिट का मीनिंग है आपका या तो सक्सेसफुल होगा, और या फिर क्या होगा आपका अबोर्ट होगा. अबोर्ट क्या है आपका बेसिकली, अबोर्ट इज ए अनसक्सेसफुल होगा. आपका जो भी ट्रांजेक्शन है या तो वो कंप्लीट होगा. एटोमेसिटी क्या प्रोवाइड करती है आपको, कि या तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली क्या होगा आपका कमिट होगा, या फिर क्या होगा वो अबोर्ट होगा. अबोर्ट इज अनसक्सेसफुल होगा आपका पर्टिकुलर जो भी ट्रांजेक्शन है. जब भी आपका अनसक्सेसफुल होगा या फिर अबोर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेट है वो कहाँ पे चला जाएगा, आपके स्टार्टिंग स्टेट में क्या हो जाएगा, आपका जो भी आपका प्रोसेस है वापस से कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फेज से आपका दोबारा से स्टार्ट होगा. और ये कौन डिफाइन करता है आपको, एटोमोसिटी आपको प्रोवाइड करता है. कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, ये आपको ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, किससे, इन टर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. कंसिस्टेंसी क्या है बेसिकली, डेटाबेस शुड बी इन कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन, कि आपको जो पर्टिकुलर आपने डेटा आप यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए बेसिकली, कंसिस्टेंस होना चाहिए. कि आपका डेटाबेस में जैसा कि नाम इसके नाम से अपना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी डेटा की. जो भी डेटा वो क्या होना चाहिए आपका, अप टू डेट होना चाहिए आपका डेटा. कि जो भी डेटा में आपने चेंजेस किए हैं, आपने किसी ने अगर क्लाइंट ने रीड राइट ऑपरेशन किया है या उसमें आपके नए अपडेट्स हैं डेटा में, तो आपका जो डेटा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका अपडेटेड डेटा होना चाहिए. जो भी ऑपरेशन आपने उसमें परफॉर्म किए हैं, कि आपने कोई भी उसमें किया, अपन ने क्या बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस को ऑपरेशन को फुलफिल करते हैं आपके ट्रांजेक्शंस में बेसिकली, तो जो भी आपने परफॉर्म इस पे एग्जीक्यूट किए हैं वो परफॉर्मेंस क्या होने चाहिए इसमें, अप टू डेट आपके ऐड होने चाहिए. दैट इज फॉलो कंसिस्टेंसी.
नेक्स्ट वन इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी यूजर एक रिसोर्स को इनकेस यूज कर रहा है तो तब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो डेटा है वो आइसोलेटेड रहेगा बेसिकली, कि जब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक उस डेटा में कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी कोई जो रिसोर्स है आपका उसको ऑलरेडी कौन यूज कर रहा है, क्लाइंट यूज कर रहा है, तो जब तक उसका क्या नहीं होगा, उसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अब उसको ट्रांजेक्शन को क्या रखेगा, आइसोलेटेड रखेगा। पर्टिकुलर जो भी आपका ट्रांजेक्शन उसमें कंप्लीट हो रहा है, आपका किस पे हो रहा है, पर्टिकुलर आपके रिसोर्सेज पे जो भी ट्रांजेक्शन आपका फुलफिल हो रहा है, तब तक उसको आइसोलेटेड रखेगा जब तक कि वो ट्रांजेक्शन क्या नहीं होता आपका कंप्लीट नहीं होता है। और इसमें ये आपका आइसोलेशन क्या करेगा कि आपको ये भी फुलफिल करता है आइसोलेशन कि आपको जो पर्टिकुलर डेटा है उसको एक ऑथोराइज्ड पर्सन ही क्या कर रहा है पर्टिकुलरली उसको ट्रांजेक्शन को यूज कर रहा है, और इसको क्या करता है आपको कंकरेंट ट्रांजेक्शन भी अगर इसमें परफॉर्म होते हैं कि अगर सेम टाइम पे क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स अगर सेम डेटा को भी यूज करते हैं तो उस कंडीशन में भी ये क्या करता है इसको आइसोलेट करता है डेटा को। पर्टिकुलर यूजर क्या होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिप्लिकाज होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो पर्टिकुलर जिस डेटा की जिस लॉजिकल लोकेशन से जो भी यूजर डेटा को यूज कर रहा है उसको क्या करेगा ये आइसोलेट करेगा, और पर्टिकुलर जो भी डेटा उसको कंकरेंट फॉर्म में किसको प्रोवाइड करेगा पर्टिकुलर यूजर को प्रोवाइड करेगा। तो ये कौन सा किस में होता है आपका आइसोलेशन में। नेक्स्ट वन ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है कि कोई फेल्यूर मेड आफ्टर ए कमिट फेस विल नॉट अफेक्ट द डेटाबेस। अगर जैसे ही मैंने कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद कमिट क्या है आपके पास में कोई भी आपका ट्रांजेक्शन क्या हो गया आपके पास में सक्सेसफुल हो गया, अगर उसके बाद में सिस्टम में कोई फेल्यूर आता है कोई फॉल्ट है फॉल्ट आपका अकर होता है तो उस कंडीशन में आपका जो डेटाबेस है आपके पास में जो डेटा स्टोर्ड है उस पर क्या नहीं होगा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये कौन फुलफिल करता है आपकी ड्यूरेबिलिटी कि कमिट के बाद में अगर आपके डेटाबेस में फेल्यूर होता है तो उस पे आपके डेटाबेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दिस इज ड्यूरेबिलिटी। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आपके पास में कोई भी अगर आपके ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग आपकी स्टार्ट होती है, सबसे पहले क्या होगा आपकी जो भी हो आपका पर्टिकुलर आपकी नोड है वो किस में आएगी एक्टिव कंडीशन में आएगी, और उसके बाद में वो क्या करेगी एक पार्शियली कमिटेड होगा। पार्शियली कमिटेड क्या है आपके पास में कि आपका जो डेटा है उसके लिए क्या होगा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आप क्या होंगे कमिटेड होंगे, उसमें साथ में एक कनेक्शन होगा आपका इस्टेब्लिश। कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद में आप क्या कर सकते हो या तो आपका पार्शियली कमिटेड था, पार्शियली कमिटेड में क्या आपका कुछ पार्ट कमिट हो चुका है आपका कि कुछ पार्ट आपका डेटा का सक्सेसफुल हो चुका है, तो उसके बाद में या तो आपका डेटा क्या हो जाएगा फुली कमिटेड हो जाएगा कि यानी कि फुली सक्सेसफुल कंडीशन में आपका डेटा फुलफिल हो जाएगा कि आपके डेटा का जो ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, आपका रिसोर्स की शेयरिंग की जो यूज थी वो कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद में क्या होगा जैसे ही आपका पर्टिकुलर वर्क आपका कंप्लीट हुआ तो आप क्या हो गए सिस्टम से आपके कनेक्शन से एबोर्ट हो गए। आप एबोर्ट का मतलब आपका पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया जिस ट्रांजेक्शन के लिए आपने सिस्टम को यूज कर रहे थे, अब उसके बाद में एबोर्ट के बाद में अगर आपको कोई नया रिसोर्स यूज करना है या दोबारा से आपको कोई रिक्वेस्ट प्लेस करनी है तो उसके लिए आपको कहाँ पे वापस से कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको वापस से आपको स्टार्टिंग स्टेट से क्या करना होगा आपको एक रिक्वेस्ट दोबारा से पेश करनी होगी, सेम प्रोसेस क्या होगा फिर से फॉलो होगा। इन अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है आपके एक्टिव केस में है, एक्टिव केस से डायरेक्टली किस में जा सकता है आपके फेल में जा सकता है बेसिकली कि आपका या तो पार्शियली कमिट होगा या फिर एक्टिव केस से डायरेक्टली आपका जो भी ट्रांजेक्शन था वो किस क्या हो गया वो आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड स्टेट में चला गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा आपका पास में फेल्ड में जाने के बाद में आपका एबोर्ट होगा। एबोर्ट होने के बाद में कहाँ पे जाएगा आपका एबोर्ट होने के बाद वापस से एक्टिव स्टेट में जाएगा यानी कि स्टार्टिंग से वो वापस से स्टार्ट करेगा। आपका पार्शियली कमिटेड है, पार्शियली कमिटेड से या तो आपका कमिट होगा आपका सक्सेसफुल होगा या फिर क्या होगा आपका अनसक्सेसफुल होगा यानी कि फेल होगा। फेल होने के बाद वो कहां पे जाएगा आपके एबोर्ट स्टेट में जाएगा, एबोर्ट स्टेट से अगेन वो स्टार्टिंग स्टेट से फिर से आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा आपका पास में, और एक्टिव स्टेट से क्या होगा वो अगेन आपके एक्टिव स्टेट में जब तक आपका टोटल ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या होगा आपका टोटल प्रोसेस आपका रिपीट होगा आपका। अब इसमें बेसिकली बात करते हैं कि अपने जो कमिट प्रोसेस है उसमें टू फेस कमिट प्रोटोकॉल होता है। टू फेस कमिट प्रोटोकॉल कैसे होता है बेसिकली कि आपके टू फेसेस होते हैं इसमें कैसे कौन से आपके एक तो अपना क्लाइंट साइड होता है दूसरा किस में होता है आपके सर्वर साइड में। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक तो आप किसको क्या करते हैं टू फेस कमिट में क्या करेंगे एक कोऑर्डिनेटर अपन डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेटर बेसिकली क्या हो गया आपका एक सर्वर है कि वो क्या फुलफिल करेगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपका जो टोटल प्रोसेस चल रहा है उसको कोऑर्डिनेट करने की। अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी कि कोऑर्डिनेशन कैसे होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो उसको कोऑर्डिनेट करने की एक कोऑर्डिनेटर अपन इनिशियलाइज करते हैं। वो कोऑर्डिनेटर क्या फुलफिल करता है आपको कि जो प्रोटोकॉल होगा इनिशियलाइज होगा वो कैसे होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा आपका कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो कोऑर्डिनेटर कहाँ में होगा आपके सिस्टम में होगा।
और आपका जो कोऑर्डिनेटर होगा वही किसको इनिशियलाइज करेगा, आपका जो भी प्रोटोकॉल होगा कि कैसे आपका डेटा सेंड होगा, कैसे आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, कैसे आपका रिस्पॉन्स जाएगा, कैसे उसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा, वो भी कौन इनिशिएट करेगा, आपका जो कोऑर्डिनेटर होगा, कोऑर्डिनेटर बेसिकली कौन है, आपके सिस्टम साइड में, आपके सर्वर साइड में आपका सर्वर है बेसिकली, ठीक है। वन कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग प्रोटोकॉल, अदर एंटिटीज आर पार्टिसिपेंट्स। यानी कि क्या होगा कि आपके पास में पर्टिकुलर क्या है, एक तो क्या होगा आपके पास में कोऑर्डिनेटर होगा, उसके अलावा सब क्या होंगे, एंटिटीज होंगी, वो कौन सी होंगी, पार्टिसिपेंट्स होंगे, बेसिकली क्लाइंट्स होंगे, जो किसके थ्रू, उस कोऑर्डिनेटर के थ्रू क्या करेंगे, बेसिकली रिसोर्सेज का यूज करेंगे। ये दो फेसेज में होंगे आपके। फर्स्ट फेज में क्या होगा कि कोऑर्डिनेटर क्या सेंड करेगा, एक आपका जो भी नंबर ऑफ नोड्स आपके कनेक्टेड है उसको एक मैसेज सेंड करेगा, क्या करेगा कि कैन कमिट, वो मैसेज सेंड करने के बाद में जो भी पार्टिसिपेंट उसको रिप्लाई करेगा यस में, यानी कि वो बेसिकली क्या एक वोटिंग है, जो भी यस में रिप्लाई करेगा उसको क्या करेगा, वो पर्टिकुलर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेगा। कैसे, आपके पास में क्या बात की, अपन ने क्या है, एक अपने पास में कोऑर्डिनेटर है, उसके अलावा सेकेंडरी क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स है। जैसे क्या किया इसने, प्रिपेयर्ड टू कमिट करेगा, ये वेटिंग फॉर वोट्स क्या है बेसिकली, ये रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा कि जब तक किसी का यस रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक क्या नहीं करेगा, ये फर्दर प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा। ये जैसे इसने क्या किया, कैन कमिट, इसने नेटवर्क में एक मैसेज शेयर किया कैन कमिट, उसके बाद में जो भी आपके प्रिपेयर्ड टू कमिट, जो भी आपकी नोड्स हैं जिनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेंगे, उसने किसी ने यस किया जिसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जिसने जो नो करेगा वो किस में चला जाएगा, आपके एबोर्ट स्टेट में चला जाएगा, बट जो यस करेगा उसके साथ में क्या करेगा, ये कमिट होगा, और जो नो करेगा वो क्या होगा, एबोर्टेड हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद में क्या करेगा, ये कमिट करेगा उसके साथ में, जो भी आपके इसको यस वोट करेगा उसके साथ में, और कमिट के बाद में क्या होगा, हैव कमिटेड, उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो भी उसको रिसोर्स की यूज करनी थी वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली। अपन बात करते हैं, क्या अपन ने एक बात की है कि इसमें कोऑर्डिनेटर साइड में एक है कोऑर्डिनेटर, एक है आपके पार्टिसिपेंट्स, किसमें अपने टू फेस कमिट में अपन ने प्रोटोकॉल है वो कैसे इनिशिएट होता है, आपके उसमें कोऑर्डिनेटर होता है, सबसे पहले कमिट स्टार्ट करता है कौन, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर ने जैसे ही कमिट स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया आपने, इनिशियलाइज करने के बाद में कौन आपका प्रिपेयर कौन होता है, आपके पास में पार्टिसिपेंट होता है, वो वोट करता है, वोट बेसिकली क्या है, आपके पास में जो ये रिस्पॉन्स कर रहा है यहाँ पे कमिट होने के लिए कि उसको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, यस और नो का जो रिप्लाई करेगा वो में आएगा आपके वोट में आएगा। उसके बाद में जब तक इसका रिप्लाई नहीं आएगा तब तक ये किस में होगा, आपके पास में वोट के लिए किस में होता है, वेटिंग स्टेट में होगा। वेटिंग स्टेट के बाद में क्या होगा, या तो ये अबोर्ट होगा, अगर यहाँ पे नो अगर इसके पास में रिप्लाई आता है तो ये क्या हो जाएगा, अबोर्ट हो जाएगा, और अगर यस आता है तो ये क्या करेगा कि कमिट के लिए आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा बेसिकली। सेम उसमें है कि आप रेडी हो, या तो आप कमिट करोगे या फिर आप क्या करोगे, आपके बेसिकली आप नो वहाँ पे शेयर करोगे, वोटिंग क्या करोगे, नो करोगे, नो करोगे तो क्या होगा बेसिकली, उसमें आपको पर्टिकुलर जो भी आपका नेटवर्क था उससे क्या हो जाएगा, आप एबोर्ट हो जाएगा, आपको उसको पर्टिकुलर रिसोर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डिफरेंट नेम एंड डायरेक्टरीज होती हैं, इसमें नेम क्या है, नेम सर्विसेज क्या करती हैं बेसिकली, ये मैप करती हैं कि जो आपका पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं उनके पर्टिकुलर आपका जो नेटवर्क है उसमें क्या एड्रेसेज हैं, और वो कैसे करती हैं बेसिकली, लॉजिकली करती हैं। अपने पास में जब भी अपन कोई रिसोर्स का यूज करते हैं तो अपने पास में क्या नहीं होता, कोई भी फिजिकल इन्फॉर्मेशन अपने पास में नहीं होती है बेसिकली, उसकी क्या होती है अपने पास में केवल लॉजिकल इन्फॉर्मेशन या नेमिंग के थ्रू अपन क्या करते हैं पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इट इज शेयर्ड इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लोकेटिंग, मैनेजिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड द ऑर्गेनाइजिंग एवरीडे आइटम्स एंड नेटवर्क रिसोर्सेज विच कैन इंक्लूड वॉल्यूम्स, फोल्डर, फाइल्स, प्रिंटर्स, यूजर्स, ग्रुप्स, डिवाइसेज, टेलीफोन नंबर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली बाई ये किससे होते हैं, ये नेम के थ्रू होते हैं। ए डायरेक्टरी सर्विस इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके एक डायरेक्टरी सर्वर क्या होता है, डायरेक्टरी सर्वर नेम सर्वर इज सर्वर इज प्रोवाइड सच एज सर्विसेज, बेसिकली अपने को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सच रिसोर्सेज ऑन ए नेटवर्क इज कंसिडर्ड एन ऑब्जेक्ट बाय द डायरेक्टरी सर्वर, इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर रिसोर्स इज स्टोर्ड एज ए कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अपने पास में जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अपने पास में डिफरेंट जो भी नाम से डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं वो एक डायरेक्टरी में कैसे होंगी, पर्टिकुलर नेटवर्क पे कैसे स्टोर होंगी, वो उनके नाम के थ्रू, रिसोर्स के थ्रू, उनके एट्रीब्यूट्स के थ्रू, कि इसका पर्टिकुलर वर्क क्या है और वो कैसे वर्क कर रही है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके थ्रू क्या होंगे आपके असाइन होगी। आपके जो डायरेक्टरी सर्विसेज होते हैं, डायरेक्टरी सर्विसेज डिफाइन से नेम स्पेस फॉर द नेटवर्क, द नेम स्पेस इज यूज द असाइन ए नेम यूनिक आइडेंटिफायर। बेसिकली डायरेक्टरी सर्विस में आपकी जो नेम्स होते हैं बेसिकली वो कैसे होंगे, जैसे अपने पास में कोई भी डायरेक्टरी होती है उसमें अपने पास में जैसे कोई मीनिंग डायरेक्टरी है तो उसमें कहाँ से उसमें ऐसे स्टार्ट हुआ, तो ऐसे ही कौन आपका जो डायरेक्टरी सर्वर है वो आपके जो नेमिंग सर्विसेज हैं उनको क्या करेगा, असाइन करेगा किसमें, अपने
डायरेक्टरी सर्वर में, कैसे एक यूनिक आइडेंटिफायर उनको प्रोवाइड करेगा और उसके थ्रू क्या करेगा, उनको स्टोर करेगा। डायरेक्टरीज टिपिकली हैव ए सेट ऑफ रूल्स डिटरमाइनिंग हाउ नेटवर्क रिसोर्सेज आर नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड, कि बेसिकली जो आपके डिफरेंट आपके जो सर्विसेज हैं जिनके नाम से आपके लॉजिकली आपके पास में नाम से क्या है बेसिकली सर्विसेज हैं, उनको कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा, कैसे यूनिक आइडेंटिफायर उनको प्रोवाइड करेगा कि आपकी जो भी दो सर्विसेज हो वो क्या हो उसमें एक वो कंबाइन ना हो, कि आपकी सेम नाम से क्या वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आप यूज ना करो, कि आपकी पर्टिकुलर जो आपकी सर्विस है उसके लिए पर्टिकुलर एक सेपरेट नाम हो उसका। डायरेक्टरी सर्विसेज में आपको फिजिकल एड्रेस नोन नहीं होता है, कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है कि आपको केवल क्या नोन होता है आपके पास में कि आप एक सिंगल यूजर वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम में, तो यही किस में होता है आपके आपके डायरेक्टरी सर्वर आपको क्या प्रोवाइड नहीं करता है, केवल आपको लॉजिकल आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है नेटवर्क के थ्रू, बट आपको फिजिकल एड्रेस नोन नहीं होता है। सम डायरेक्टरी सर्विसेज इंक्लूड एड्रेस कंट्रोल प्रोविजंस लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन टू ऑथराइज्ड यूजर्स। और आपका डायरेक्टरी सर्वर ही क्या फुलफिल करता है कि आपका पर्टिकुलर यूजर अगर ऑथराइज्ड यूजर है तो ऑथोरिटीज सर्विस भी आपको कौन प्रोवाइड करता है, आपको डायरेक्टरी सर्वर ही प्रोवाइड करता है। अब व्हाट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जब अपने पास में पर्टिकुलर कोई भी अपने पास में क्या है, कोई भी अपने पास में एक रिसोर्सेज है, रिसोर्स को क्या कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स यूज कर रहे हैं, ये अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं, ये किसको यूज कर रहे हैं, एक रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। अब इस रिसोर्स को यूज करने के लिए इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो क्या होता है आपके पास में, एक शेयर्ड वेरिएबल को यूज करने के लिए, प्रोसेस को यूज करने के लिए क्या होगा उसके लिए, अब जब एक शेयर्ड वेरिएबल को यूज करते हैं तो उसके लिए किसका यूज होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का यूज करते हैं। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन में किसका यूज करते हैं, सीएस का यूज करते हैं। सीएस क्या है, बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है कि जिस भी यूजर को, जो भी क्लाइंट है जिसको पर्टिकुलर सर्विस के लिए आपको एक्सेप्ट होगी आपकी रिक्वेस्ट, कि आप सबसे पहले ये अगर इसने यहाँ पे रिक्वेस्ट की और इसको सर्वर ने अलाउ किया है, तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन है जो आपकी ये पर्टिकुलर आपका रिसोर्स है वो किस में चला जाएगा आपके पास में, ये सीएस में एड होगा आपका। सी एस क्या है, बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन क्या है बेसिकली, कि आपने पर्टिकुलर जो भी रिसोर्स था वो पर्टिकुलर यूजर को क्या कर दिया, सर्वर ने अलॉट कर दिया, जब तक उसका वर्क फुलफिल नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगा, किसी दूसरा जो भी आपके क्लाइंट्स है वो पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में वो जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको पर्टिकुलर यूजर ही सेम टाइम में यूज कर सकता है, कि नो टू प्रोसेस कैन बी इन द सेम सी एस, कि आपने अगर रिसोर्स एक सी एस या क्या है क्रिटिकल सेक्शन अगर किसी एक यूजर को प्रोवाइड कर दिया गया है, अगर किसी को अलॉट कर दिया पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन, तो जब तक उसका वर्किंग कंप्लीट नहीं होगी कोई दूसरा क्या नहीं करेगा, उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं होगा, उसको केवल वो सेम यूजर ही यूज करेगा जब तक उसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, कि अपने पास में क्या होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आपके नोड्स आपके कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम में, तो जब इसके लिए अपन अलॉट करते हैं क्या सी एस, अब जब अलॉट करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं अपन एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स उसका एक्सेप्ट करते हैं, उसी के थ्रू क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको एक सी एस प्रोवाइड करते हैं। सी एस इज ए क्रिटिकल सेक्शन, उसको प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसी के थ्रू वो क्या करता है उसको रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू करते हैं, सेंट्रलाइज एल्गोरिदम है, टोकन रिंग एल्गोरिदम है, डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम है, एंड डिसेंट्रलाइज एल्गोरिदम है। अब जो आपकी सेंट्रलाइज एल्गोरिदम है बेसिकली उसमें सिंगल प्रोसेसर आपका वर्क करता है, वन प्रोसेस इलेक्टेड एज ए कोऑर्डिनेटर। अपन ने अभी बात की थी कि कोऑर्डिनेटर अपन एक डिसाइड करते हैं, जैसे अपने पास में कोई भी प्रोसेसर है आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर उसमें वर्क कर रहे हैं, आपके एक को क्या आइडेंटिफाई करते हैं अपन कोऑर्डिनेटर, अब उसको डिसाइड करते हैं, उसके बाद में वो करेगा एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसके बाद में उसके पास में ग्रांट करेगा, जैसे उसके पास में रिक्वेस्ट जाएगी उसने क्या किया उसने एक्सेप्ट की, एक्सेप्ट करना बेसिकली क्या है यहां से उसने क्या प्रोवाइड कर दिया, उसने क्रिटिकल सेक्शन आपको प्रोवाइड कर दिया बेसिकली, ग्रांट इज ए क्रिटिकल सेक्शन, आपको पर्टिकुलर जो रिसोर्स था उसके लिए एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दिया। उस एक्सेस को प्रोवाइड करने के बाद में पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है वो इंफॉर्मेशन जैसे ही रिलीज होगी आप उसको यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो दिस इज सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम। उसके बाद में टोकन रिंग एल्गोरिदम होती है, बेसिकली क्या होता है टोकन रिंग एल्गोरिदम में आपका जो सर्वर होता है बेसिकली वो सर्वर क्या करता है कि एक टोकन आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो टोकन जिस भी प्रोसेस के पास होगी बेसिकली जिस क्लाइंट के पास होगी सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेगा वो उसी के साथ होगी आपके पास में, और जो आपके नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं एज ए रिंग में कनेक्टेड होते हैं बेसिकली,
जैसे मेरे पास में यहाँ पे कोई, अगर मेरे पास में कोई टोकन है और वो टोकन किसके पास में है, मेरे पास में अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मैंने P0 से स्टार्ट किया है, तो जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं इनकी जो प्रायोरिटी है वो कहाँ से, P0 से स्टार्ट होगी बेसिकली। कि जो कोई टोकन आ रहा है मेरे पास में टोकन रिंग एल्गोरिदम में, और बेसिकली वो क्या कर रहा है, मैंने एक टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जिसके पास में वो टोकन होगी, P0 गेट्स द टोकन ऑफ रिसोर्स आर। जो मेरे पास में अगर मैंने यहाँ पे P0 वो अलोकेट किया है मैंने टोकन, तो जब तक इसका वर्क नहीं होगा तब तक ये सब किस स्टेट में होंगे, ये ब्लॉकिंग स्टेट में होंगे, और केवल पर्टिकुलर रिसोर्स का यूज कौन करेगा आपका, जिसको आपको टोकन अलोकेट किया है, सर्कुलेट किया है आपने टोकन, और जिसके पास में अलोटेट टोकन है वही क्या करेगा, पर्टिकुलर रिसोर्सेज का यूज करेगा आपका। और बाकी किस पे होंगे, होल्ड होंगे। कब तक होल्ड होंगे, अनटिल उनके पास में जब तक टोकन नहीं होगी तब तक वो किस में होंगे, होल्ड में होंगे। बाकी के जो भी आपके प्रोसेस हैं वो होल्ड पे रहेंगे आपके। डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम यूजिंग रिलायबल मल्टी कास्ट एंड लॉजिकल क्लॉक्स। इसमें क्या, पर्टिकुलर जो आपका सेक्शन होता है वो किस में होता है, प्रोसेस वन टू एंटायर क्रिटिकल सेक्शन कंपोज मैनेज कंटेनिंग आइडेंटिफायर। उसमें आइडेंटिफायर कैसे करेगा, उसमें मशीन आईडी होगी, प्रोसेस आईडी होगी, नेम ऑफ रिसोर्स होगा, टाइम स्टैम्प उसको प्रोवाइड करेगा। कि क्या होगा कि इसमें क्या हो, इसको लैम्पोर्ट एल्गोरिदम भी अपन बोलते हैं। लैम्पोर्ट में क्या हो रहा था, अपने पास में एक टाइम स्टैम्प था कि जिसका टाइम स्टैम्प क्या होगा, मिनिमम होगा, उसको सबसे पहले आपको क्या करेगा, रिसोर्स अलोकेट करेगा। रिसोर्स क्या है बेसिकली, आपका जो भी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं वो अलोकेट करेगा उसको। वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग होगी। जो आपकी टोकन एल्गोरिदम है उसको अपन अग्रवाल एल्गोरिदम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अब डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम है उसमें किस में होगा, आपके टाइम स्टैम्प पे ऑर्डर्ड होती है बेसिकली। लैम्पोर्ट के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है कि जिसका टाइम स्टैम्प मिनिमम होगा वो टाइम स्टैम्प सबसे पहले आपका वर्क करेगा। डिसेंट्रलाइज एल्गोरिदम आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेबल पे डिपेंडेंट होती है, कि जिसमें अपन ने पहले बात की थी, कैसे अपने पेयर टू पेयर मॉडल की बात की थी अपन ने, कि उसमें कैसे आपकी रिक्वेस्ट आप कैसे एक्सेप्ट होती है, कैसे आप रिक्वेस्ट पुट करते हैं, उसके बाद में आपके जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स आपको कैसे आता है, वो किस में होती है, पीयर टू पीयर मॉडल इसमें होता है। ऑब्जेक्ट नेम आर हैज टू फाइंड द सक्सेसर नोड दैट विल बी स्टोर देम। कि पर्टिकुलर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपने एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यानी कि सर्वर पर आपने जैसे ही रिक्वेस्ट पुट किया आपने, उसके बाद में जो भी उसके बाद में आपके पास में प्रोसेसर आपका चेक करेगा कि किसके पास में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है, कि कौन इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकता है, सक्सेस कर सकता है, तो जो भी नोड उसको फुलफिल करेगी उसको क्या करेगा, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसको उसकी हैश टेबल में उसको ऐड कर देगा। कि जैसे ही उसके पास में क्या होगा, उसका वो फ्री होगा तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। और इसमें क्या होता है कि हैश टेबल में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी रिप्लिकाज कहाँ पे स्टोर होती है, आपके डिफरेंट डिफरेंट नोड्स में उनकी रिप्लिकाज स्टोर हो जाती हैं बेसिकली। और उन रिप्लिकाज से ही आप क्या यूज करते हो बेसिकली, एन रिप्लिकाज आपकी जो स्टोर है डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे, उन्हीं से आप क्या यूज करते हो, वो जो भी आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, फाइल्स की जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको इंसेक्शन करना है, आपको डिलीटेशन करना है, आपको रिट्रीवल करना है, आपको डेटा स्टोर करना है, आपको जो भी प्रोसेस फुलफिल करना है, वो किस पे होगी, आपके पास में जो भी पर्टिकुलर रिप्लिकाज हैं आपके। तो दिस इज द ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। If anyone have any